हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड में स्वागत है। अभी हाल ही में अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। लेकिन इस ट्रेलर में एक ऐसी खास बात थी जिसे बेहद कम लोगों ने नोटिस किया, और जब नोटिस किया तो उसके लिए अवार्ड तक देने की बात कही जाने लगी। उस खास बात को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेल बॉटम मूवी की स्टोरी 1980s में हो रहे लगातार प्लेन हाईजेकिंग की स्टोरीज पे आधारित है। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन 1980 से 1986 के बीच भारत में 7 बार प्लेन की हाईजेकिंग हुई थी, और उन 7 हाईजेकिंग में से 6 बार हाईजेकिंग केवल 3 साल में हुई थी। पहली हाईजेकिंग 1981 में श्रीनगर से दिल्ली आने वाली फ्लाइट की हुई थी। 5 सिख आतंकियों ने चाकू की नोक पर 111 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स को बंदी बना लिया था। इसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी संगठन ने ली थी। प्लेन को हाईजैक कर लाहौर में उतारा गया था। बाद में पाकिस्तान की मदद से भारत ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया था। दूसरी हाईजैकिंग 1981 में ही पहली हाईजैकिंग के जस्ट 2 महीने बाद हुई। इसमें 65 पैसेंजर और 13 क्रू मेंबर्स को बंदी बनाया गया था, और उन्हें काफी नेगोशिएशन के बाद रिहा किया गया। तीसरी हाईजैकिंग 1982 में हुई, जिसे एक अकेले आतंकवादी ने अंजाम दिया था। उसके पास एक पिस्टल और एक हैंड ग्रेनेड था, और प्लेन में लगभग 70 लोग थे। फ्लाइट मुंबई से दिल्ली जा रही थी। बाद में आतंकवादी को मार गिराया गया। चौथी हाईजेकिंग उसी मंथ और उसी साल हुई, और वह फ्लाइट जोधपुर से दिल्ली जा रही थी। पांचवी हाईजेकिंग 1984 को जुलाई में हुआ, जिसमें 255 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर्स थे। ये फ्लाइट श्रीनगर से दिल्ली जा रही थी, और हाईजेकर्स के पास पिस्टल, खंजर और बॉम्ब थे। बाद में हाईजेकर्स ने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसी साल 1 महीने बाद एक और फ्लाइट को 7 यंग किडनैपर्स के द्वारा हाईजैक किया गया। यह फ्लाइट चंडीगढ़ से श्रीनगर जाने वाली थी, पर इसे पहले लाहौर ले जाया गया, फिर कराची और बाद में दुबई ले जाया गया। यह हाईजैकिंग भी पंजाब को हिंदुस्तान से अलग करने की मांग के लिए किया गया था। यात्रियों को बाद में दुबई सरकार द्वारा किए गए नेगोशिएशन से बचाया गया। 1986 में एक और हाईजैकिंग हुई, जिसमें 360 पैसेंजर थे, और फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली थी। फ्लाइट को 4 आर्म्ड फिलिस्तीनियों ने हाईजैक कर लिया था। इसमें अलग अलग देशों के 43 यात्री घायल हुए थे, और उनमें से कुछ मारे भी गए थे। बाद में पाकिस्तान में सभी को गिरफ्तार किया गया, और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इन हाईजैकिंग के समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी, जिसे आप ट्रेलर में देख ही चुके होंगे। पर आपने ट्रेलर में इस बात को नोटिस नहीं किया होगा कि उस कैरेक्टर को निभाने वाली एक्ट्रेस कौन है। जी हाँ, यही वो खास बात है जिसका जिक्र मैं वीडियो की शुरुआत में कर रही थी। दरअसल आप भी जब उस एक्ट्रेस का नाम जानेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल वो एक्ट्रेस मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं, और उनका नाम है लारा दत्ता। चौंक गए ना? व्यूअर्स भी इस बात से काफी चौंक गए, और वो लारा दत्ता के मेकअप से इतने इम्प्रेस हैं कि वो उनके मेकअप आर्टिस्ट को अवार्ड तक देने की बात कह रहे हैं। लोगों को अब फिल्म का ही नहीं बल्कि लारा दत्ता की परफॉर्मेंस का भी काफी इंतजार है। इस फिल्म को 19 अगस्त 2021 को थिएटर में रिलीज किया जाएगा, और इसकी खास बात यह है कि ये फिल्म आपको 3D में देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।